हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरुजीत व्लॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट बाइक जो यंगस्टर और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट रहेगी। जब हम कॉलेज स्टूडेंट और यंगस्टर की बात करते हैं तो दोस्तों बजट जो होता है ना बहुत बड़ा स्टैंड करता है। तो आज की जो बाइक्स होंगी वो 1 से 1.5 लाख के आसपास में होंगी। अच्छा परफॉर्मेंस, माइलेज, जिनका मेंटेनेंस लो है, एवरेज अच्छा दे देती है दोस्तों, और मल्टीपल रोड कंडीशन में भी अच्छा आपको परफॉर्मेंस दे देती है, वो बाइक्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा अगर आप प्लान कर रहे हैं बाइक लेने का, और ये लिस्ट में से आप अपने डैडी को जरूर कन्विंस कर सकते हैं कोई भी एक बाइक लेने के लिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 10 पे है बजाज पल्सर 220F BS6 मॉडल। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्पेसिफिकेशन बोल के बोर नहीं करना चाहता, सिर्फ में हम बात करेंगे की फीचर्स, प्रो एंड कॉन्स, प्राइसिंग एंड माइलेज के बारे में। तो दोस्तों इसका जो प्राइसिंग आ रहा है 1,17,000 के आसपास में एक्चुअल प्राइस आ रहा है। 220cc के 4-स्ट्रोक ट्विन स्पार्क DTSI इंजन आया था जो कि अच्छा खासा आपको माइलेज जो है वो दे देता है। टॉप स्पीड जो है 134 के आसपास में किलोमीटर पर आवर के आसपास मिल जाता है। माइलेज जो है 35 से 40 के आसपास में अच्छी दे देती है। दोस्तों की फीचर्स अगर हाईलाइट करूँ तो स्टाइलिश सेमी फेयर डिज़ाइन मिल जाता है, क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाते हैं आपको, फ्यूल इंजेक्टर मिल जाता है क्योंकि BS6 है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाता है, स्प्लिट सीट मिल जाती है आपको, LED टेल लाइट मिल जाती हैं, रेयर टायर जो है वो थोड़ा सा ह्यूज, थोड़ा सा साइज में थोड़ा सा वाइड मिल जाते हैं। एंड दोस्तों स्पोर्टी लुक एग्जॉस्ट भी मिल जाता है आपको, अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं दोस्तों, डे टाइम रनिंग लैंप्स मिल जाते हैं। ये तो हो गए की फीचर्स दोस्तों। अब इसके प्रो एंड कॉन्स की बात करें जो कि आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप कोई बाइक बाय कर रहे हो। दोस्तों प्रोज अगर बात करें तो स्टाइलिस्ट फ्रंट एंड रेयर में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, FI मिल जाती है, कंफर्टेबल राइडिंग सीट मिल जाती है दोस्तों, 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है तो, और इसका जो वाइड नेटवर्क है दोस्तों बजाज का जो नेट सर्विस नेटवर्क है जिसकी वजह से आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है। प्राइस टैग भी कॉम्पिटेटिव है दोस्तों, 1,17,000 के आसपास एक्सशोरूम मतलब बहुत ही अच्छा है। एंड दोस्तों कॉन्स की बात की जाए तो अभी भी थोड़ा सा पावर को लेकर ना थोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग है, और सर्विस को लेकर थोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग है, और इसमें जो 6th गियर है ना अगर वो दे दिया होता तो पावर को और अच्छे से यूटिलाइज कर सकते। तो यही है इसके प्रो एंड कॉन्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मॉडल के ऊपर। दोस्तों नंबर 9 पे है रॉयल एनफील्ड की बुलेट 350cc BS6 मॉडल है। दोस्तों इसका जो प्राइसिंग है 1.21 से लेके 1.37 लाख तक जाता है, बिकॉज में बुलेट और बुलेट एक्स और ESK KS किकस्टार्ट ये सब मॉडल्स इसके अंदर आते हैं, उसका प्राइसिंग जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है। 346cc का इंजन आ जाता है, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 इंजन मिल जाता है आपको जो कि टॉप स्पीड देता है 110 किलोमीटर पर आवर की, आराम से 80 पे चलाइए, बहुत अच्छी ये इसका परफॉर्मेंस देता है क्रूजिंग पे भी और दोस्तों सिटी में भी। दोस्तों इसका जो एवरेज मिल जाता है 37 km/h के आसपास मिल जाता है आपको जो कि अच्छा है सिटी और हाईवे के लिए। ऐसे की फीचर्स की बात की जाए तो रेट्रो क्लासिक लुक मिल जाता है दोस्तों आपको, फ्यूल इंजेक्टर साथ में BS6 नॉर्म को टोटली मैच करता है, लो एंड टॉर्क बहुत ही अच्छा मिल जाता है, स्पोक व्हील्स के साथ में सिंगल चैनल ABS भी मिल रहा है आपको इसके अंदर, कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन मिल जाता है, टॉर्क बहुत ही अच्छा है दोस्तों। फ्रंट जो है व्हील आपको 19 मिल जाता है जिससे ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी रहती है। अगर प्रो एंड कॉन्स की बात की जाए जो कि इंपॉर्टेंट है बाय करते वक्त, तो दोस्तों प्रो ये है कि आपको हाई टॉर्क मिल जाता है, फ्यूल इंजेक्टर के साथ मिल जाता है, और आपको एक रेट्रो लुक और ये बोलते हैं ना रियल लुक आपको मिल जाता है जो कि अच्छा फील देता है आपको। एंड डिस्क ब्रेक ऑप्शन भी आप बुलेट्स में आ चुके हैं, पहले डिस्क ब्रेक नहीं आता था, पहले आपका ड्रम ब्रेक्स आते थे। एंड कॉन्स की बात की जाए तो दोस्तों पावर अंडर पावर थोड़ा, इंजन जो 346cc का जो इंजन है उसका पावर थोड़ा और अच्छा होना चाहिए, स्पीड थोड़ी अच्छी मिलनी चाहिए थी, वो थोड़ा सा है, वाइब्रेशन थोड़ा सा इशू है, थोड़ा सा हैवी है। ये सारे प्रॉब्लम्स को अगर बाजू में कर दिया जाए तो बाइक बहुत ही परफेक्ट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल के ऊपर। दोस्तों नंबर 8 पे है हीरो का एक्सपल्स 200cc BS6 मॉडल है। दोस्तों इसको भी यंगस्टर बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं इसका ऑन रोड ऑफ रोड लुक की वजह से। 1,06,000 की ये बाइक जो है एक्चुअल प्राइस पड़ रही है, 199cc की, सिंगल सिलेंडर SOSE इंजन फॉर्मेट जो है, 4-स्ट्रोक इंजन आपको मिल जाता है। एंड दोस्तों टॉप स्पीड जो इसके अंदर 115 किलोमीटर की है। एंड दोस्तों आपको इसमें जो माइलेज मिल जाती है 40 km/h के आसपास में अप्रॉक्स मिल जाता है। अगर इसे की फीचर्स को हाईलाइट करें तो दोस्तों ड्यूल स्पोर्ट्स बाइक मिल जाती है, प्रीमियम लुक मिल जाता है आपको। एंड दोस्तों आपके अंदर इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर है और डिजिटल आपको कंसोल मिल जाता है जो कि फुल्ली है, एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, अपसोर्ड एग्जॉस्ट मिल जाता है। एंड दोस्तों लार्ज जो व्हील है स्पोक व्हील्स आपको मिल जाते हैं, ड्यूल पर्पज़ टायर मिल जाते हैं जो कि आपको ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पे ही अच्छा ग्रिपिंग आपको देते हैं। इसके प्रो एंड कॉन्स की बात की जो कि इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट तो FI इंजन मिल रहा है आपको इसमें, मैंने जैसे बताया ऑन रोड ऑफ रोड है, सस्पेंशन थोड़े लॉन्ग मिल जाते हैं। एंड दोस्तों सेगमेंट में बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल जाता है, आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वैल्यू फॉर मनी है,
थोड़ी सी इसमें जो क्वालिटी है ना, बिल्ड क्वालिटी, वो अच्छी की गई है। और कॉन्स की बात की जाए दोस्तों, तो टॉप स्पीड जो है थोड़ी कम है और क्रूजिंग स्पीड आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है, हल्का सा वाइब्रेशन आपको फील होता है, बाकी इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, थोड़ा हेडलाइट का फोकस उतना प्रॉपर नहीं मिल रहा। सिक्स्थ गियर जो है वो होता थोड़ा सा और आप स्पीड को एक्सटेंड कर सकते थे, अदरवाइज ये मॉडल बहुत ही अच्छा आपको परफॉर्मेंस करेगा आपके डेली लाइफ के लिए। दोस्तों नंबर 7 पे है KTM Duke 125cc मॉडल, एंड यंगस्टर्स को इसका नेकेड बॉडी डिजाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। एंड दोस्तों सबसे प्राइसिंग पड़ता है 138,000 के आसपास में ये मॉडल पड़ जाती है। एंड 124cc का इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वॉल इंजन आया था आपको, जिसका टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर का। एंड दोस्तों एवरेज भी आपको इसमें अच्छा मिल जाता है, 42 km/h के आसपास में इसका अप्रॉक्स आपको माइलेज मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा है सिटी और हाईवे के लिए। दोस्तों KTM Duke 125cc के अगर की फीचर्स को हाईलाइट करें तो यूनिक स्ट्रीट फाइटिंग कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मिल जाता है आपको, पावरफुल इंजन मिल रहा है, लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है, अपसाइड डाउन आपको फ्रंट फोर्क मिल जाते हैं, फुली डिजिटल कंसोल मिल जाता है दोस्तों, ऑरेंज कलर के जो है अलॉय व्हील एंड ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं आपको, एंड लार्ज डायमीटर फ्रंट डिस्प्ले जिससे कि ब्रेकिंग कंट्रोलिंग बहुत ही अच्छी बन जाती है, ट्यूबलेस टायर है इसके अंदर, बॉश का ABS मिल जाता है। अगर इसमें अगर हम बात करें प्रो एंड कॉन्स की जो कि इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों पावरफुल इंजन मिल रहा है, प्रीमियम इक्विपमेंट मिल रहे हैं आपको, 6-स्पीड गेयरबॉक्स मिल रहा है आपको, और गुड परफॉर्मेंस मिल जाता है आपको, USD फोर्क्स मिल जाते हैं आपको, लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है, और एक्सेलरेशन भी पिकअप भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। अब बात करें कॉन्स की, तो दोस्तों थोड़ा प्राइसिंग जो है हल्का सा हाई बढ़ जाता है 125cc के इंजन के लिए, और दोस्तों हाईवे पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस इसका नहीं है, अदरवाइज ये मॉडल यंगस्टर्स के लिए, सिटी राइड के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोस्तों नंबर 6 पे है यामा के MT15 BS6 मॉडल, एंड दोस्तों ये भी यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, बिकॉज का जो नेकेड बॉडी डिज़ाइन है वो एकदम KTM ड्यूक जैसा ही लगता है, एंड यामा का ट्रस्ट पिकअप दोस्तों बेस्ट इंजन्स के लिए जाना जाता है वैसे भी नाम। एंड अगर इसके एक्सशोरूम प्राइस की बात की जाए तो 1.39 lakhs के आसपास में इसका एक्सशोरूम प्राइस है। 155cc का इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर SOSE इंजन फॉर्मेट मिल जाता है, 4-स्ट्रोक 4-वॉल इंजन मिल जाता है, एंड टॉप स्पीड की बात की जाए तो 131 km/h की स्पीड मिल जाती है टॉप स्पीड इसकी। माइलेज जो है 45-46 km/h के आसपास में अप्रॉक्स आपको मिल जाता है हाईवे और सिटी में। अगर दोस्तों उसको की फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर कॉम्पैक्ट डिज़ाइन मिल जाता है, इंटरनेशनल कलर वेरिएंट मिल जाते हैं, पावरफुल इंजन मिल रहा है आपको, स्लीपर क्लच के साथ में है, 6-स्पीड गियर और माल फंक्शन फ्यूल इंजेक्टर भी मिल रहा है आपको, नेविगेशन LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल रहा है आपको, एंड दोस्तों टेल लाइट भी आपको LED मिल रही है, वो आपको अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर का भी मिल रहा है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिल रहा है दोस्तों, रेडियल टायर मिल रहे हैं रेयर में जो कि 140mm के वाइड टायर्स हैं, जो कि अच्छा लुक देते हैं आपको, प्रीमियम लुक देते हैं। एंड दोस्तों अगर से प्रो एंड कॉन्स की बात की जाए, जो कि इंपॉर्टेंट है, BS6 फ्यूल इंजेक्टर इंजन मिल रहा है, गुड परफॉर्मेंस दे रही है, एंड दोस्तों ग्रेट डिज़ाइन, इसका डिज़ाइन जो है वो जैसे मैंने बताया KTM जैसा, ड्यूक जैसा लगता है, और आपको यामा का नेटवर्क तो मालूम ही है कि बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से सर्विस भी आपको अच्छी मिल जाती है, LED हेडलाइट मिल रहा है, और पिकअप जो यामा में जाना जाता है, और विद अच्छा माइलेज भी आपको साथ में मिल रहा है। अगर इसके प्रो एंड कॉन्स की बात की जाए तो दोस्तों इसमें सिंगल चैनल ABS है, इसके वजह से ही थोड़ा सा राइडर्स को उसमें ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा, थोड़ा ग्रिपिंग कंट्रोलिंग में भी थोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम इसमें अभी तक राइडर्स का रिव्यू इसके अंदर बैड नहीं आया हुआ है, तो ये भी बेस्ट मॉडल बन जाता है आपके डेली राइडिंग के लिए। दोस्तों नंबर 5 पे है यामा FZ25 एंड 25S मॉडल, एंड दोस्तों इसका जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ रहा है 1.53 lakhs के आसपास में आपको मिल जाता है। दोस्तों 249cc का इंजन मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर SOSE 2-वॉल्व इंजन मिल रहा है दोस्तों, टॉप स्पीड जो है इसकी 138 km/h की मिल जाती है, 40 km/h के आसपास आपको माइलेज दे देता है, जो कि अच्छा है सिटी और हाईवे दोनों के लिए ही। एंड दोस्तों अगर इसके की फीचर्स को अगर हाईलाइट करें तो स्टाइलिश मस्कुलर डिज़ाइन मिल जाता है, रिलायबल इंजन मिल जाता है दोस्तों, जो कि यामा में माना जाता है, ये BS6 कंप्लायंस को टोटली मैच करता है, और BI फंक्शनल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं आपको दोस्तों, ये डे टाइम रनिंग लाइट मिल जाती है आपको इसमें, आपको नेविगेशन LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल जाते हैं आपको, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाता है आपको, एंड दोस्तों इसके अंदर लाइट वेट जो है वो चेसी फ्रेम मिल जाते हैं, और दोस्तों 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं आपको, और ये सारे के साथ में आपको वाइड टायर्स और अलॉय व्हील्स भी मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस प्राइसिंग रेंज के हिसाब से बात की जाए तो अभी भी थोड़ा सा प्राइसिंग इस सेगमेंट में हल्का सा ज़्यादा है, बट 250cc के हिसाब से अगर देखा जाए तो पावर सही है। अगर प्रो एंड कॉन्स की बात की जाए, जो कि इंपॉर्टेंट है, पावरफुल
आपको इसके अंदर इंजन मिल जा रहा है, कंफर्टेबल सीट मिल जाती है, गुड अच्छी और ब्रेकिंग मिल जाती है, ड्यूल चैनल एबीएस के साथ में लो मेंटेनेंस है, मेन है यामा की जो बाइक्स होती है उसका लो मेंटेनेंस होता है, तो और उसमें अच्छी माइलेज भी आपको मिल जाती है, पिकअप परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है। अगर दोस्तों अगर कॉन्स की बात की जाए तो दोस्तों सिक्स्थ गियर जो है थोड़ा मिसिंग लगता है, जिसकी वजह से पावर जो है फुल यूटिलाइज नहीं कर पाते इस इंजन का। एंड दोस्तों हाईवे पे थोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग है कि इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, अदरवाइज यंगस्टर के लिए, सिटी राइड के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है, लुक एंड डिज़ाइन और परफॉर्मेंस के लिए और लो मेंटेनेंस के लिए। दोस्तों नंबर फोर पे है बजाज पल्सर NS 200cc BS6 मॉडल है। दोस्तों ये भी राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है बिकॉज ये बजट फ्रेंडली भी है, कॉम्पैक्ट भी रहती है और सिटी राइड के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जिसका प्राइसिंग पड़ रहा है 1.25 लाख के आसपास में आपको इसका एक शोरूम प्राइस पड़ जाता है। इसका जो इंजन है 199.5cc का इंजन मिल जाता है, सिंगल सिलेंडर SOSC ट्रिपल स्पार्क इंजन मिल रहा है आपको दोस्तों। इसमें टॉप स्पीड जो है 138 किलोमीटर पर आवर की मिल जाती है, माइलेज जो है 35 to 40 km/h के आसपास में आपको मिल रहा है। की फीचर्स को अगर हाईलाइट करें तो दोस्तों एग्रेसिव स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन मिल जाता है जो कि कॉम्पैक्ट भी है और हैंडलिंग भी बहुत अच्छी रहती है सिटी में इसकी। पावरफुल इंजन मिल रहा है, फ्यूल इंजेक्टर मिल जाता है आपको इसके अंदर, लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है, स्टिफर फ्रेम मिल जाता है जो कि बॉडी फ्रेम है, चेसिस फ्रेम है और डिजिटल एनालॉग कंसोल मिल रहा है आपको इसके अंदर और सीटअप जो है सीट्स मिल रही हैं आपको। और दोस्तों इसके अंदर आपको टेल लाइट जो है वो LED मिल जाती है। अगर प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो दोस्तों कॉम्पिटेटिव प्राइस है और इसका एक्सेलरेशन बहुत ही अच्छा है, कॉम्पैक्ट बाइक है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, हाईवे पे भी परफॉर्मेंस अच्छा आ जाता है और इसकी जो ब्रेकिंग कंट्रोलिंग है वो भी बहुत अच्छा है। हल्का सा चीज़ें जो हैं अगेन इसका जो डिज़ाइन है उसको लेकर थोड़ा फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है और दोस्तों हल्का सा वाइब्रेशन आपको मिल जाता है और सिंगल चैनल ABS, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वही सब फिंगर पॉइंटिंग है, अदरवाइज़ ये मॉडल जो है यंग राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दो थर्ड नंबर पे आता है TVS Apache RTR 204V BS6 मॉडल है। दोस्तों ये मॉडल भी यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, बजट फ्रेंडली पड़ जाता है। इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 1.25 लाख के आसपास में पड़ जाता है, 197.75cc का इंजन पड़ जाता है, सिंगल सिलेंडर SI 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, टॉप स्पीड जो आपको 128 किलोमीटर पर आवर के आसपास मिल जाती है, माइलेज 38 to 40 km/h के आसपास मिलता है। एंड फीचर की अगर बात की जाए तो फुल्ली फीचर्ड बाइक है, स्टाइलिश मस्कुलर डिज़ाइन मिलता है आपको इसमें, रेसिंग ग्राफिक मिल जाते हैं जो कि न्यू डिज़ाइन है दोस्तों, रेसिंग ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्टर मिल जाता है आपको इसके अंदर, आपको ड्यूल चैनल ABS विद RLP मिल रहा है, मतलब आपको रेयर लिफ्ट अप प्रोटेक्शन मिल जाता है और इसमें रेसिंग ट्यून स्लिपर क्लच भी मिल जाता है, रेडियर टायर मिल रहा है, बैरल एग्जॉस्ट मिल रहा है दोस्तों, डबल बैरल एग्जॉस्ट एंड फुल LED हेडलाइट मिल जाती है जो कि अच्छा फोकस भी देती है, डिजिटल कंसोल मिल जाता है आपको इसमें, नेविगेशन फीचर मिल जाता है, लीन एंगल मोड मिल जाते हैं दोस्तों, स्मार्ट कनेक्टिविटी मिल जाती है, ये सारे फीचर्स जो आपको 1.25 लाख में मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा है दोस्तों। प्रो एंड कॉन्स की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर प्रोज की बात करें तो लुक अच्छा कर जाता है दोस्तों, एक्सेलरेशन भी अच्छा मिल जाता है इसमें, पिरेली की टायर्स मिल जाते हैं जो कि आपको अच्छा ग्रिपिंग दे रही है दोस्तों, स्लिपर क्लच मिल रहा है इस समय और स्टेनलेस स्टील एग्जॉस्ट मिल रहा है। एंड दोस्तों इस सेगमेंट में प्राइसिंग रेंज जो है आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है, बट कुछ चीजें इसमें कॉन्स भी हैं दोस्तों, अगेन सिक्स गियर जो है इसके अंदर मिसिंग है, थोड़ा सिक्स गियर होता तो पावर को और अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं एंड थोड़ा हाईवे पे जो है इसका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा कम आ रहा है, अदरवाइज बाइक जो है वो डिजाइन के हिसाब से, लुक के हिसाब से बहुत ही अच्छा। दोस्तों नंबर टू पे आता है यामाहा R15 V3 BS6 मॉडल है। दोस्तों इसका जो एग्रेसिव सिटिंग पोजीशन है और दोस्तों इसका जो बॉडी डिज़ाइन है वो राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दोस्तों मेन चीज़ इसका प्राइसिंग जो है 1.45 लाख के आसपास में एक्स शोरूम प्राइस पड़ जाता है एंड दोस्तों इसका इंजन जो आता है 155cc का, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 4-वाल्व इंजन पड़ जाता है, टॉप स्पीड जो है 138 की है, माइलेज जो है 41 to 45 km/h तक वेरी करता है जो कि अच्छा है। और दोस्तों की फीचर्स अगर हाईलाइट करूँ जो कि इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों को जानना, एंड स्टाइलिश स्पोर्टी डिज़ाइन मिल जाता है आपको, एरोडायनामिक डिज़ाइन है, BS6 कंप्लायंस को टोटली मैच करता है, 6-स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है दोस्तों आपके अंदर, स्लीपर क्लच मिल रहा है, ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच मिल जाती है, LED टेल लैंप है, हेडलाइट मिल जाता है, मालफंक्शन LCD इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिल रहा है, गियर शिफ्टर के साथ में, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर के साथ में ड्यूल टोन हॉर्न मिल जाते हैं, 140mm वाइड रेडियल टायर मिल जाता है, USB पोर्ट मिल रहा है जो कि अच्छा है आपकी राइडिंग के लिए। एंड दोस्तों बहुत लोग इसमें लॉन्ग राइड शॉर्ट राइड भी करते हैं इसके अंदर। और इसका अगर प्रो एंड कॉन्स की बात किया जाए दोस्तों, ग्रेट डिज़ाइन मिल जाता है, पावरफुल इंजन मिल जाता है, ऑब्वियसली यामा का जो पिकअप है और ब्रेकिंग कंट्रोलिंग है वो भी बहुत अच्छा है, स्लीपर टच फीचर्स के साथ मिल जाता है। कॉन्स की अगर बात करें तो हाईवे पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, सिटी के लिए बहुत ही अच्छा है, लुक और स्टाइल बहुत अच्छा लगता है और यंगस्टर्स को इसका स्पोर्टी डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है।
दोस्तों नंबर वन पे है बजाज पल्सर RS 200 CC BS6 मॉडल। दोस्तों ये राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, यंगस्टर्स में ये पॉपुलर बाइक है दोस्तों। उनका यूज़र रिव्यू बहुत अच्छा बढ़ जाता है, आपको इकोनॉमिक रेट में बढ़ जाता है, इकोनॉमिक बाइक पड़ जाती है। और दोस्तों इसका नेटवर्क जो है बजाज का वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से सर्विस भी कॉस्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। दोस्तों इसका जो प्राइस है 144 लाख के आसपास में एक्चुअल प्राइस है दोस्तों। और इसका जो इंजन आता है 199.5 CC का इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर ट्रिपल स्पार्क 4-वॉल इंजन मिल जाता है आपको। टॉप स्पीड मिल जाती है 141 की है और माइलेज जो है 40 KMPL के आसपास में आपको दे देती है दोस्तों। अगर इसमें की फीचर्स को हाईलाइट करूँ तो दोस्तों फुली फेयर डिज़ाइन मिल जाता है, पावरफुल FI इंजन मिल जाता है, लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है, स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोड मिल जाता है दोस्तों आपको। इसमें ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है, क्रिस्टल LED टेल लाइट मिल रही है दोस्तों आपको, इसमें डिजिटल एनालॉग कंसोल मिल रहा है आपको, इसमें ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है, ट्यूबलेस टायर मिल रहा है अलॉय व्हील, एंड दोस्तों LED टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, स्प्लिट अप सीट मिल जाते हैं, स्प्लिट स्टेप सीट बोलते हैं जिसको, वो मिल जाता है आपको। और अगर प्रोज की बात करें तो उसका वाइड नेटवर्क है दोस्तों, और कॉम्पिटिटिव प्राइस में आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, कंट्रोलिंग बहुत अच्छा है, फेयर डिज़ाइन राइडर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसका जो एग्रेसिव सिटिंग पोजिशन है वो भी राइडर को बहुत पसंद आता है। इसमें कॉन्स की बात की जाए दोस्तों, थोड़ा सा आउटडेटेड डिज़ाइन हल्का सा हो चुका है, अदरवाइज राइडर्स को तो ऐसा नहीं लगता, सेलिंग तो ये नहीं बोलता कि इसमें कुछ चीज़ कम है। अगेन इसमें थोड़ा सा गियर जो है, गियर शिफ्टिंग में थोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग है, बाकी इस मॉडल में कोई भी प्रॉब्लम राइडर को फील नहीं होता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप यंगस्टर हैं दोस्तों और बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं कॉलेज के लिए या फिर अपनी डेली राइडिंग के लिए, तो इन बाइक्स में से एक बाइक आप जरूर चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये सभी बाइक्स जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, एंड दोस्तों डिमांडिंग में भी चल रही हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छा देती हैं, लो मेंटेनेंस भी है और इंडियन रोड्स के हिसाब से बनाई गई हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए गुरुजीत ब्लॉग, ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। Bye.